Ria. She's injured. She's going through withdrawal. No. Ria. Ria, तुम्हें heroin overdose हुआ है, okay? But you're safe. तुम्हारी आगे के treatment में तुम्हारे कोई guardian या parent या कोई? No. आर्थिक लाइफ में किधर आ जाए? इधर आ जाए. Okay. बहुत hyper है यार. Can we just talk to her later? बाद में बात करते हैं ना. बेटा अभी तो देखना पड़ेगा. पेशेंट को इंटेंसिव केयर की जरूरत है. प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वी नीड अ पेरेंट और अ गार्जियन, राइट? इंस्पेक्टर ने कहा उसे फोन में कोई कॉन्टेक्ट नहीं. लास्ट एंड ऑल अंडर एज पेशेंट है. कैन वी फाइंड सम इन्फो? क्या फाइंड, लेकिन उसकी हालत देखो यार, खराब है. एक काम करते हैं, लेट्स कॉल डॉक्टर चित्रा टू डॉक्टर एंड अर्जेंटली इसके पेरेंट्स को. नो, व्हाट, नॉट माय फॉल्ट. ओके ओके रिलैक्स. ठीक है काम डाउन. Calm down. Don't call my mom. Okay. उनको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए. She doesn't even care about me. Relax. Okay. वो पता नहीं कहाँ चला गया divorce के बाद. Okay. Please मेरे dad को ही बुला दो. He loves me. He won't do anything to me. Okay. मुझे बहुत प्यार करते हैं. पता नहीं वो divorce के बाद पता नहीं कहाँ चले गए. मैं anti anxiety. You will feel better. Okay. कुछ नहीं होगा. Okay. Please. Please. Dad को बुला दो. Calm down. Okay, one second. Okay? अपने दोस्त को professional doctors की तरह objectively सोचना सिखा दे. Might help. तेरी राजकुमारी आंसू के पड़ल में ना हो जाए. उस बाप का जाना missing a parent काफी normal है यार. तेरा दोस्त दुखी मन मेरे क्यों हो रहा है? Can you mind your own doctors? अब ये कैसी है? Statement लेनी है. Sir, heavy withdrawal symptoms and panic attack भी हुआ है. बहुत मुश्किल से सुलाया, सो प्लीज. आई अंडरस्टैंड कि आप इंस्पेक्टर हैं एंड दिल्ली पुलिस इज अमेजिंग एंड ऑल दैट, बट आप ये सब नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? यू कांट जस्ट बार्ज इन लाइक दिस. मैं तो तुम्हारे अग्रेशन का फैन हो गया हूं. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो बच्ची है और बचपन में गलतियां हो जाती हैं. तुम्हारी ये जो बच्ची है उसने कोई गलती नहीं की है. पूरा एक लैब चलाती थी. शी इज अ ब्लडी पेडलर. इस तरह का पेसिंग अप एंड डाउन नॉर्मली हम मेडिकल स्कूल के एग्जाम से पहले करते थे. ये भी एग्जाम था, सिर्फ डिफरेंस इतना था कि हम झूठ बोलना रिवाइज कर रहे थे. ये इंटरोगेशन क्यों हो रही है एग्जैक्टली? इंटरोगेशन? यार बड़ा हैवी वर्ड यूज कर दिया यार तुमने. अगर इंटरोगेशन होता ना तुम यहाँ तुम्हारे हॉस्टल में बैठे नहीं होते, मेरे पुलिस स्टेशन में होते. चुपचाप बताओ, तुम मिसिंग पेशेंट के साथ क्लोजली अटैच थे ना? क्या है मालूम है, अभी मेरा ना पेशेंस काफी बढ़ चुका है क्योंकि रिसेंटली मैंने सिगरेट छोड़ी है. मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि तुम मिसिंग पेशेंट के साथ क्लोजली अटैच थे या नहीं. He was just like any other patient assigned to us. कोई इमोशनल एंगल नहीं था मेरा उसके साथ. कल रात को कहाँ थे? विकर में साथ में थे हम दोनों ने 11:38 PM को ड्यूटी से चेकआउट किया. प्रेसाइज मेमोरी है यार, 11:38 PM. विक मतलब कि विक्रम जी, अभी बेस्ट फ्रेंड्स हो क्या तुम लोग? You sure? Yes. नहीं, क्योंकि सुनने में आया है कि जो बेस्ट फ्रेंड्स थे उनके बीच में कुछ लड़ाई हुई है और वो लोग अभी साथ में नहीं है. मैं इस बाउंसर के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था. नहीं पता था कि कॉप्स तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि कार्तिक और मेरे पैराडाइज में ऑल इज नॉट वेल. कुछ समय पहले तुम इमोशनली अटैच हो गए थे ना एक पेशेंट के साथ. क्या नाम था उसका? रिया, मेरी पहली पेशेंट थी. काफी इमोशनल हो गए थे तुम उसके साथ. बहन जैसी थी मेरी. पर इमोशन था ना. और जितना कि मैं जानता हूँ, तुम डॉक्टर्स को सिखाया जाता है ना कि एक डॉक्टर पेशेंट के बीच में यू नो इमोशनल. हाँ, नहीं नहीं होना चाहिए. डीन ने पहले ही ओरिएंटेशन में कहा था कि पेशेंट्स के साथ इमोशंस न्यूट्रल रखने चाहिए, लेकिन मैं तो सल्फेट. सॉरी गाली के लिए. रिया छोटी थी, उसे मिलकर अपना बचपन याद आता था बस. Ria. She's injured. She's going through withdrawal. No. Ria. तुम्हें heroin overdose हुआ है, okay? But you're safe. तुम्हारी आगे के treatment में तुम्हारे कोई guardian या parent या कोई? No. आर्थिक लाइफ में किधर आ जाए? इधर आ जाए. Okay. बहुत hyper है यार. Can we just talk to her later? बाद में बात करते हैं ना. बेटा अभी तो देखना पड़ेगा. पेशेंट को इंटेंसिव केयर की जरूरत है. प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वी नीड अ पेरेंट और अ गार्जियन, राइट? इंस्पेक्टर ने कहा उसे फोन में कोई कॉन्टेक्ट नहीं. लास्ट एंड ऑल अंडर एज पेशेंट है. कैन वी फाइंड सम इन्फो? क्या फाइंड, लेकिन उसकी हालत देखो यार, खराब है. एक काम करते हैं, लेट्स कॉल डॉक्टर चित्रा टू डॉक्टर एंड अर्जेंटली इसके पेरेंट्स को. नो, नो, व्हाट, नॉट माय फॉल्ट. ओके रिलैक्स. रिया, ठीक है ओके काम डाउन. एक्सक्यूज मी.
Calm down. Don't call my mom. Okay. उनको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए. She doesn't even care about me. Relax. वो पता नहीं कहाँ चला गया divorce के बाद. Okay. Please मेरे dad को ही बुला दो. He loves me. He won't do anything. Okay. मुझे बहुत प्यार करते हैं. पता नहीं वो डिवोर्स के बाद पता नहीं कहाँ चले गए. मेरे एंटी एंजाइटी यू विल फील बेटर. ओके कुछ नहीं होगा. ओके ओके इजी. ओके प्लीज इजी इजी मेरे डैड को बुला दो. काम डाउन रिया. ओके वन सेकंड. हम किसी को फोन नहीं करेंगे. ओके अपने दोस्त को प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तरह ऑब्जेक्टिवली सोचना सिखा दे. माइट हैव और बचपन में गलतियां हो जाती है. तुम्हारी ये जो बच्ची है उसने कोई गलती नहीं की. पूरा एक लैब चलाती थी. शी इज अ ब्लडी पेडलर. Yes, you got it right. Father wound है मुझे बहुत जोर से है जो सिर्फ मेरा परोस की जानता था. मिनट डॉक्टर सारा, अगर तूने अपनी ये टॉक्सिक ढंग से अब विक को कुछ भी कहा ना तो तेरा इस हॉस्पिटल से ऐसा पैकअप कराऊंगा तू सीधा मुंबई जाके को ले. I really hope you guys use protection, yeah. वैसे कौन किसके लेता है? तू सीरियसली नहीं जानती ना मैं कौन हूँ? क्लीशे किसे पिटे डैडी के पावर ट्रिप चल रहा है लो. हाँ यू नो इट्स एक्चुअली अबाउट टाइम तुझे मुंबई की लोड शेडिंग दिखाती हूँ. रीड माय लिप्स. यू नीड टू टॉक. रेबीज का इंजेक्शन लगाना होगा. तू वैक्सीनेटेड होगी नहीं तो दोबारा हाथ लगा के देख. कोई वैक्सीन बचा नहीं पाएगी. मैम करने जा रही है. तू चोक डिजाइन करना छोड़ दे. तेरे बस की नहीं है और इतना ही फ्री टाइम है तो एक काम करना पापा से पिज्जा मंगवा ले. नेपोटिज्म की टॉपिंग वाला बैठ के खा. ए नेक्स्ट टाइम अगर तूने मेरे लव्ड वंस को अटैक करने की कोशिश की डॉक्टर कार्तिक राणा अगर आप मेरे और मेरे वर्किंग पैटर्न्स के बीच में आए ना सो आई विल फक यू ओवर राइट बैक. ओके रियली बिकॉज़ जहां से मैं आती हूँ ना वो मैटर करता है कि टॉप पे कौन है. इसीलिए तुझे टारगेट करके तेरा काटा था और तेरा वो खेल पीटी कर दिया. जस्ट शट अप. कार्तिक वो समवन था जो मेरे और मेरे डैड के बीच के सारे मिसिंग लिंक्स फिल अप कर देता था. दैट्स व्हाई हम दोनों ब्रदरहुड और ब्रोमांस का कॉम्बिनेशन है. आई मीन द एक्चुअली आई डोंट. मम्मी पापा बीजी हम खेलते हैं है ना. मुझे नहीं खेलना. पापा Myra, you cannot talk to me like this. I cannot talk to you like this? तुमसे बड़ा फेलियर मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा. पापा. हाँ तो अगर इतना बड़ा लाइब्रेरी तो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? निकल जा सा. वो कब है? इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या? नहीं रुको. Problems escape के सिवा. क्लोजनेस वाली फिल्मी टेंशन देख के डर आ रहा है या खुद डर रहा है कि तुम मुझसे जेन्युइनली अट्रैक्ट हो गए? तुझसे अट्रैक्शन. सॉरी मैन. ओह रियली? जस्ट टेक इट इजी. ओके इतना इजी चलेगा? कार्तिक और मेरे बीच कोई भी लड़की वॉज एन आउटसाइडर. बट व्हाट आई डिडंट नो उसकी सून मैं थर्ड व्हील बन रहा था एंड रोमांस थ्रेटन्ड रोमांस.
कार्तिक वो समवन था जो मेरे और मेरे डैड के बीच के सारे मिसिंग लिंक्स फिल अप कर देता था. दैट्स व्हाई हम दोनों ब्रदरहुड और ब्रोमांस का कॉम्बिनेशन है. आई मीन द एक्चुअली आई डोंट नो. इससे खुली करवा रहा है. तेरी शर्त भी नहीं है यार. मिलना भी नहीं, बाद में मिलता हूं. लेटर. ओके. आप ही बताओ, जस्ट बिकॉज इसके डैड हॉस्पिटल के रे ने, इज इट फेयर कि ओपनली मुझे हॉस्पिटल से निकलवाने की धमकी दे? डॉक्टर कार्तिक जी, आई मीन डॉक्टर चित्रा, लेट मी एक्सप्लेन. व्हाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट, डॉक्टर सारा ने डॉक्टर विक्रमजीत पे पर्सनल अटैक्स किए थे. तो बस मैंने उन्हें यही कहा कि यहाँ हैरेसमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी. नो पर्सनल अटैक्स. मैम, इनसे पूछिए कि डॉक्टर विक्रमजीत मिड ट्रीटमेंट ओवर आउट हो गए थे. एज अ डॉक्टर, इज दैट इवन अलाउड? फाइन, मे बी आप मेरी सिस्टर हैं तो आप मुझे इस आर्गुमेंट में फेवर नहीं कर सकते. बट व्हाट अबाउट इनसबॉर्डिनेशन? नेपोटिज्म बोल के इसने आपकी भी डिसरिस्पेक्ट की है. व्हाट इनसबॉर्डिनेशन? मैम, आई डोंट मीन टू साउंड रूड, बट इंडियन मेडिकल काउंसिल को भी तो कंप्लेन करने लायक बात बन सकती है ना. इतना फेवरेटिज्म होगा तो हॉस्पिटल कोई फैमिली बिजनेस हो है नहीं. डॉक्टर सारा का बिहेवियर थोड़ा ऑड है. पहले अंडरस्टूड की ये जो रूडनेस और रूथलेसनेस है, ये कहाँ से आ रहे हैं? सर, सच तो ये है कि मैं कोटा सिस्टम की कैंडिडेट हूँ. मुझसे मेरे रिश्ते और उनके स्टेटस पूछने से पहले ना, हम जैसों के लिए थोड़ा सा आर एंड डी कर लीजिए. हार्डली इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा था जो सारा का दोस्त था. लेकिन डॉक्टर चित्रा, आपके स्टाफ का तो कहना है कि डॉक्टर सारा और पेशेंट नंबर 36 काफी अच्छे दोस्त थे. पेशेंट का नाम आसिफ. वैसे आसिफ ज्यादा पॉपुलर नहीं था ना. हो सकता है कि सारा और आसिफ ने अपनी रूडनेस और डिफिकल्टीज पे बॉन्ड किया. तो क्या आपको लगता है कि आसिफ के साथ जो ये दोस्ती है उसके पीछे भी कोई मोटिव? पहले जद्दोजहद की एफर्ट लगा के केएमआरसी जैसे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप, फिर इंटर्नशिप से रेजिडेंसी तक के लिए नेक्स्ट लेवल जुगाड़ लगाओ. तो फिर क्या मैं ये समझ लूं कि तुम्हारा किसी के साथ भी होने के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है? कोई क्वेश्चन? मतलब तेरी गर्लफ्रेंड की कर रही होगी प्रेप, बुलाएंगे सबको अभी. मेरी ठीक गई? तेरी? पता नहीं यार. क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं वो था मुरलीधरन, कुकली पे कुकली फेंके जा रहा था. शक तो नहीं हुआ उन्हें? तूने कुछ वक्त तो नहीं दिया? ओए, इस इन्वेस्टिगेशन का टॉपर बनने की कोशिश ना कर. और उन्हें शक हुआ है, इसीलिए तो हम सबके ले रहे हैं, वो भी अच्छे से ऐसे डूब करके. यार तू रिलैक्स कर, नहीं उड़ेगी तेरी विकेट. जस्ट डोंट पैनिक, ओके? इस फेक कंसर्न की ना पत्ती बना के घुसा दे अंदर. तो इवन बेटर, तेरी गर्लफ्रेंड के लिए. क्या गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलता रहता है? पिच बोलने से तो अच्छा ही है. यार तेरी लाइफ की प्लेलिस्ट इसी सेम लूप में क्यों फंसी? क्योंकि तेरी लाइफ की प्लेलिस्ट बिना नोटिस के ही चेंज हो गई है. ग्रो अप, ओके? स्टॉप प्रिटेंडिंग मैंने तेरे कभी सपोर्ट नहीं करा. एंड बेटर येट, आई ऑलवेज हैड योर बैक. बुलशिट. डोंट प्रिटेंड कि तुझे सारा और मेरे पंगे के बारे में नहीं पता. डॉक्टर सारा किसी के साथ भी रिश्ता तभी बनाती है जब उस रिश्ते के साथ उसका कोई ना कोई फायदा हो. जब लाइफ टफ होती है ना सर, तो हम जैसे एक मास्क लगा के घूमते हैं ताकि हमारे अंदर का रियल वो कमजोर साइड किसी को दिखाई ना. प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है ना, तो सर्वाइव करने के लिए इस ठंड दुनिया को थोड़ा सा घमंड दिखाना पड़ता है. तो फिर आसिफ के साथ जो भी था वो जेन्युइन था? तुम्हारा यहाँ आना इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ओके? उन्होंने आपके पास के बारे में तो कुछ पूछा नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं पूछा. Are you sure? हाँ, मैंने कहा ना, इट्स ऑल ओके विक. आई थिंक यू शुड लीव. विक, तुम्हें आसिफ के मिसिंग होने के बारे में कुछ नहीं पता? ऐसे क्यों पूछा आपने? कल रात को बहुत नर्वस लग रहे थे तुम. नर्वस? थैंक्स. अच्छा डॉक्टर कबीर, सीधे सीधे बात करते हैं. कल रात को तो आपकी ड्यूटी आसिफ के फ्लोर पे तो थी नहीं. देन रिकॉर्ड्स के अनुसार
How come you were the last doctor to check on him? कैसे? वो actually doctor Vic. Sorry, वो मुझे psychogenic tampering है. कोई नहीं बोलो बोलो आराम से बोलो. Actually वो डॉक्टर विक आसिफ को अटेंड कर रहे थे एंड ही आस्क्ड फॉर एन ओपिनियन. तो ऐसे में एक दूसरे डॉक्टर्स की हेल्प करना कॉमन है ना. क्या ओपिनियन? उसका SpO2 स्टेबल नहीं हो रहा था. क्या क्या? ऑक्सीजन सेचुरेशन, ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन. ओके, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा स्पेशल क्या किया? आई नथिंग, बस मैंने उसको ऑब्जर्व किया एंड ही वॉज फाइन देन. एंड हाँ, मैं 11:38 PM को चेकआउट किया. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आसिफ 10 दिन पहले एडमिट हुए इस हॉस्पिटल में सेइंग एब्डोमिनल पेन है. अजीब नहीं लगता क्या कि सुबह जब आपने ड्यूटी पर आए इस हॉस्पिटल में, आपने नोटिस नहीं किया कि आपके हस्बैंड वार्ड में नहीं थे? मतलब ऑड नहीं लगता क्या कि जो FIR है आसिफ के मिसिंग होने का, वो आपने नहीं बल्कि किसी नर्स ने फाइल किया? सुबह 9 बजे आपकी ड्यूटी लगती है और आसिफ मिसिंग हुए 10 बजे. 9 से 10, 1 घंटा आप अपने हस्बैंड से मिले ही नहीं. हम हॉस्पिटल लेट पहुंचे थे. एडमिट होने के 2 हफ्ते पहले आपने आसिफ के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था, राइट? जी. और कंप्लेन के 12 दिन बाद आसिफ उसी हॉस्पिटल से गायब है जहां आप और आपके दोस्त काम करते हैं. आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कि आप किसी भी इंसान को जानती हो जिसका फायदा होगा अगर आसिफ गायब हो. तुम लोग के लिए काफी इजी है ना मुझे जज करना. और बाय द वे, हॉस्पिटल में इंटर्न ऑफ द मंथ कॉम्पिटिशन किस लिए होता है? पैसों के लिए, राइट? इवेंचुअली सब बिजनेस है, तो इतना ड्रामा करने की ना जरूरत नहीं है. इवेंचुअली सब अपने फायदे के लिए यहाँ पर आए. उस वक्त वन ऑन वन कॉम्पिटिशन वॉज अ डेली मंत्र. हु न्यू कि आज हम सब एक साथ एक मर्डर छुपा रहे होंगे. विद 100% पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई किसी ना किसी का काटेगा. सर, क्या लगता है आपको, इन इंटर्न्स डॉक्टर का इस केस से कुछ लेना देना है या नहीं? कोली, सबका आउट टाइम क्या था? 11:38 PM. तो फिर डॉक्टर सारा ने आउट टाइम में 10:38 PM क्यों लगाया? कहानी कितनी भी फुल प्रूफ बना दो, कोई ना कोई कहीं मिस्टेक जरूर करता है.